तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल क्रिएटर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जब भी आप कोई भी फ्री फायर का कस्टम पैक डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों वो फिर से डिलीट हो जाता है, ठीक है, कुछ देर के बाद फिर से डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों ये सब ज़्यादा करके सैमसंग के स्मार्टफोन में होता है, ठीक है। ये ऑटो डिलीट का एक ऑप्शन होता है, वो आपका ऑलरेडी ऑन होता है, ठीक है, तो इसलिए आपका वो डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों इसके भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप नीचे आइए, ठीक है, और उधर आपको एक दिखाई दे डिवाइस केयर। तो देखिए बैटरी एंड डिवाइस केयर इधर मेरा है, ये डिवाइस केयर में आ गया। आप ये थ्री डॉट में चले जाइए, ठीक है। जाने के बाद स्टोरेज बूस्टर में चले जाइए। स्टोरेज बूस्टर में जाने के बाद दोस्तों आपको इधर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा। इसका मतलब क्या है ना दोस्तों, कि अगर जब जब आपका ये स्टोरेज फुल होने लगेगा तब ये आपको अननेसेसरी डाटा डिलीट कर देगा। मतलब ये जो फ्री फायर है ना, ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है। सैमसंग डिवाइस को क्या लगता है ना कि ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, तो अननेसेसरी डाटा होगा इसलिए डिलीट कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा को ऑफ ही करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको जो कस्टम पैक डाउनलोड करेंगे तो आपको डिलीट नहीं होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही एक प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया, मुझे ऐसा करो बताए, तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाना।